दारू को तो मैंने तैयार कर रखा है पार्क ले जाने के लिए, लेकिन उसके साथ एक धोखा होने वाला है। वो पार्क नहीं जाएगा, वो जाएगा घर पे, दादा घर पे जाएगा, लेकिन वो तैयार ही नहीं है दादा के यहाँ जाने के लिए। अगर हम उसको पार्क नहीं लेंगे तो रास्ते में वो रोएगा। तो ये ब्लॉग में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा कि वो कैसे क्या रिएक्शन रहता है उसका जब वो घर पहुँचता है। और कल हम उसको पार्क ले गए थे घूमने के लिए, तो वो सोच रहा है कि हम उसको वहीं ले जाएंगे जहाँ झूले थे बहुत सारे। अब उसको वही चीज़ लग रही है, इसलिए वो तैयार हो गया। वो तैयार ही नहीं हो रहा था ना, वो कपड़े पहन रहा था। अब उसको जब बोला है कि हम पार्क जा रहे हैं घूमने के लिए, तैयार हो जाओ जल्दी से, तब वो तैयार हुआ है। कितना कितना कुछ करना पड़ता है बच्चों के लिए। और एक जन पूछ रहे थे कि हम लोगों ने बाल क्यों कटवा रखे हैं, बच्चों ने भी कटवा रखे हैं, मैंने भी कटवा रखे हैं। तो बात यह है कि हमारे जो मेरे जो दादा थे, मतलब गांव में लगते हैं चाचा ताऊ में, वो एक्सपायर हो गए थे। इसलिए हमारे यहाँ हिंदू धर्म में को जब कोई बड़ा एक्सपायर हो जाता है तो करवाने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने बच्चों को और मेरे घर में जितने जन हैं जेंट्स, सबको गंजा करवाना पड़ा, ठीक है। तो इसमें आरू के को भी बलिदान देना पड़ा अपना, और काकू को भी, और काकू के पापा को भी। तो बहुत जल्दी इनके बाल आ जाएंगे, क्योंकि ये बालों में ही ज़्यादा क्यूट लगते हैं। बिना बालों के थोड़े से वैसे लगते हैं बदमाश टाइप के। लग रहे हैं आपको बदमाश टाइप के? लग रहे हैं? नहीं लग रहे ना? हाँ, ये बदमाश। पार्क में जाने के लिए तैयार है? हाँ, बिल्कुल रेडी, बिल्कुल रेडी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो हम यहाँ से कैब करके निकलेंगे, ठीक है। अभी आरू की जो मम्मी है वो गई हुई है मार्केट में, कुछ लेने गई हुई है। उसके बाद जैसी वो आएगी और हम यहाँ से हम निकल जाएंगे, ठीक है। क्या मम्मा झूला झूलेगी? और बूजी भी। बूजी भी? आपकी बूजी जो आरू की बुआ है छोटी वाली शिवानी, उसको आरू बूजी बोलता है, तो बूजी भी झूलेगी? अच्छा, उसी पार्क में क्या? हाँ। जिसमें कल झूले थे आप? हाँ, वही वाला। और अगर हम दादा के घर ले गए आपको तो? अब तो नहीं रहेगा। अच्छा, नहीं रहेगा? पक्की बात है? अच्छी बात है। सबको बता दो कि अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है? बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, नहीं। ओके, हेलो। क्या होता है आगे चल के, आगे ब्लॉग में हम देखते हैं क्या होता है। बेबी को तो कोई मतलब नहीं है, वो कहीं भी जाए, अभी वो छोटा है ना, उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन काकू हमारा थोड़ा, आरू हमारा थोड़ा बदमाश है, थोड़ा समझदार हो गया है। और यार ये सारे दिन ना फ़ोन चलाता है, इसको ना थोड़ा पिट्टी पिटाई करनी पड़ेगी ना इसकी। नहीं, वाला पिटाई नहीं करें, आरू की पिटाई नहीं करें बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाता है, सारे दिन फ़ोन चलाता रहता है, गेम खेलता रहता है ये। नहीं, नहीं। और ना, और पता है खाना भी नहीं खाता, खाने खाते समय भी इसको फोना चाहिए होता है, और फ़ोन को फोना बोलता है। और गेम खेलता है, कौन सा गेम खेलते हैं उसके अंदर? टेडी टॉन्ट है, बिल्ली वाला, यानी बिल्ली वाला, कैट वाला। और और पत्थर लगाने वाला, कौन सा वाला? पत्थर लगाने वाला। अच्छा, और और मेरा चश्मा किसने तोड़ा था? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। मेरा चश्मा किसने तोड़ा? बेबी ने तोड़ा था। आपने? मैंने नहीं, पता नहीं। जब मैं सो के उठाऊं और मैंने देखा तो मेरा चश्मा किसी ने तोड़ दिया, दो दो हिस्से में हो गया। बताऊं क्या? मैं अभी जुड़वा के लाऊं। देखो ये नया चश्मा लेके आऊं मैं, देखो नया, बिल्कुल नया। देखो पहन के ही तो आप पहन के देखेंगे, देख लो भाई पहन के। दिखाई देता है? हाँ, देखो आपको दिखाई देता है। लाओ पहना। हाँ, शीशा बदल दे तो। हाँ, दिखाओ, दिखाई दे रहा है? वो देखो, हाँ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा? दोनों हो गए। ये पापा का चश्मा है, नंबर वाला होता है ना, इसलिए आप नहीं पहना। हाँ, अब मुझे कैप पहननी पड़ेगी। देखो गंजे हो गए, हमारे बाल ही नहीं आ रहे। बताओ आपके बाल कहाँ है? तो गंजे क्यों हुए थे आप? किसने करा दिया आपको गंजा? किसने? नाइन ने आपके बाल ले लिए सारे? यार बहुत गलत बात है, उसने मेरे भी बाल ले लिए सारे। बताओ, पैसे भी ले लेता है और बाल भी ले लेता है। वह कितना गंदा आदमी है वो, है ना। हम लोगों के बाल भी ले लेता है और पैसे भी ले लेता है।
कैब बुक कर दी है और हम अब निकलने वाले हैं। अभी थोड़ी देर में कैब आ जाएगी, 2 मिनट का टाइम दिखा रहा है और हम लोग यहाँ से निकलने के लिए तैयार हैं। क्या आवाज़ आ रही है? बोलने की आवाज़ आ रही है। कैब आ गई है, अब कैब आ गई है, चलो कैब में चलो। अरे वो दुकान खुल रही है ना इसलिए। रोती रहे मम्मा जो रो रहे हो? अरे बोलो पार्क ही तो जा रहे हैं, अभी आ जाएंगे वापस। पार्क क्यों जा रहे हो? अरे पार्क ही तो जा रहे हैं, आप रो क्यों रहे हो? आप रो क्यों रहे हो? मम्मा रो रही है, देखो हो गया इसका आपका आपका दिमाग हो जल्दी खराब हो जाता है। आपका दिमाग कहाँ होता है? अच्छा अच्छा बताओ आपका दिमाग कहाँ होता है? कितना बड़ा होता है वो? इतना बड़ा। इतना बड़ा होता है? अच्छा वो खराब हो गया आपका, अब सही कैसे होगा? अच्छा खेलने से सही हो जाएगा आपका दिमाग। पीछे रह गया वो कट, यहाँ से बाइक ही निकल गई। दादा दर है पापा। हैं? दादा दर है। हाँ ये दादा दर है। दे दादा दर नहीं दाना। यहाँ भी जाएगी? नहीं यहाँ से नहीं चढ़ पाएगी गाड़ी। वापस करो। अरे दादा उस तो आना नहीं था क्या हमको? नहीं। क्यों? कट्टा नहीं रहता दादा। तो आपको कहाँ जाना था? भारत में। भारत में जाना था? ओ नो, ये तो आपके साथ धोखा हो गया क्या? पापा ने हमको उल्लू बनाया? नहीं उल्लू नहीं बनाया, हम पहले दादा हाउस जाएंगे और मॉर्निंग में यहाँ से एडवेंचर पार्क पास पड़ता है, फिर कल हम एडवेंचर एक्शन देंगे, ठीक है? नहीं क्यों? क्योंकि यहाँ से पास पड़ेगा ना बेटा, यहाँ तक राइट ले लेना। यहाँ पे हम बहुत सारे मस्ती करेंगे, मॉर्निंग में पार्क चलेंगे, बेटू बोल रहे ना। अरे नहीं नहीं चलेंगे पार्क में, चलेंगे अभी दादा बुला रहे थे इसलिए आना था। अरे दादा हाउस में भी तो है, टेंट हाउस बना के रखा है दादा हाउस में, इसी के लिए ले लेना। राइट हाँ। आरू के फ्रेंड्स के पास। आरू तो कौन कौन का फ्रेंड्स है? अरे दादा बुला रहे थे आपको, हद कर रहा है तो। नहीं रोते नहीं है, अपने घर पे तो आना था, अब चलेंगे पार्क में चलेंगे। क्या नहीं नहीं उतरना भाभी, नहीं आपको तो जानी था ना। चलो 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 उतरो उतरो उतरो। फाइनली हम अपने घर पहुंच चुके हैं और आरू ने अपना रो रो के बुरा हाल कर लिया है। बेचारे को बहुत बड़ा सदमा लगा है कि वो पार्क की बजाय अपने दादा के घर आ चुका है, अपने घर आ चुका है, और वो अभी उसका थोड़ा मन बहल गया है, अपने खिलौने जो उसके मामा ने दिए हैं वो खोल के बैठा हुआ है, और थोड़ा जो चीज़ें मामा ने दी हैं वो खोल के बैठा हुआ खेल रहा है। उसका मन थोड़ी देर के लिए बहल गया लेकिन अभी भी वो कह रहा है कि उसको पार्क जाना है, और मैंने बोल दिया सुबह ले जाएंगे। तो आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, थैंक यू।